सबसे पहले तो भोजपुरी के सभी दर्शकों को यश कुमार का प्रणाम। अलग, खैर अब कितनी बार बोलूँ, अलग तो हर फिल्म होती है। ये लुक थोड़ा सा अलग है बाकियों से, थोड़ा नहीं सर, ज़्यादा अलग है। ज़्यादा अलग है ये वाला एक्चुअली, तो सबसे ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसका जो आपका लुक है विग का, मैं खुद नहीं पहचानी जब सर आया। मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली। हाँ। आप खड़े थे, मैंने पीछे देखा, मैंने कहा यार पता नहीं कोई होगा, आया होगा कोई, शायद मिलने के लिए आया होगा सर से। मैं घूम गई, वो दो मिनट बाद देख रही सर दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे, तो देखा अरे सर तो यही है। तो ये लुक सबसे अलग है और बहुत मज़ा आने वाला है इसको करने में भी। मुझे, मेरे लिए भी बहुत नया करेक्टर होगा सर। हाँ। और बहुत एक्सपीरियंस होगा इससे मुझे करने से आगे भी आने वाली फिल्म के। एक रक्षा जी का रोल इसमें यकीनन बड़ा कमाल का है, इसलिए कि धर्म संकट के बीच में उलझी हुई एक 8 साल के बच्चे की माँ है। धर्म संकट में उलझी हुई औरत जो, जिसके पास एक 8 साल की बच्ची है, उसके पति नहीं है, और वो किस तरीके से धर्म संकट में उलझी हुई है। मैं स्टोरी को तो नहीं खोलूँगा क्योंकि स्टोरी मैंने ही लिखी है, पर मैं इतना कहने वाला हूँ कि अब तक की हर फिल्मों से बिल्कुल अलग रक्षा जी दिखने वाले हैं। और एक भावनात्मक रोल है इनका, और एक्ट्रेस तो अच्छी है ही है, इस रोल को कितने अच्छे से निभाएंगे ये फिल्म देखने के बाद। ये तो, ये बात तो सही है। इस फिल्म के लिए मैं थोड़ा डरी भी हुई थी, मैंने रिसर्च भी की काफ़ी ज़्यादा कि हाँ। और कैसे करेक्टर में घुस सकते हैं, नया है मेरे लिए, अलग भी है, पर हाँ सर का सपोर्ट है और हमेशा रहता ही है, तो हो सकता है अच्छा और बहुत अच्छा कर पाऊँ। नहीं, आप अच्छी एक्ट्रेस हैं इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, आप अच्छी एक्ट्रेस हैं इसलिए। शायद अगर अभिनेत्रियों में बात करें तो मेरे ख्याल से आप पहली ऐसी अभिनेत्री होंगी जिसके साथ मैं 6-7 फिल्में कर चुका हूँ। हाँ। वरना किसी भी अभिनेत्री के साथ मैंने 6-7 फिल्में नहीं की। इवन हमारी धर्मपत्नी जी जो हैं उनके साथ मेरे 5 या 6 फिल्में ही हुई हैं, आपके साथ ये 7वीं 8वीं फिल्म, 7वीं है मेरे ख्याल से, 6वीं 7वीं, और हाँ। आगे भी हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभिनेत्रियों में सबसे ज़्यादा फिल्म मैंने इन्हीं के साथ की है। लोगों की मानसिकता है, लोग जिसके साथ सोचे मेरी जोड़ी बनी हुई है, और पर्दे की अगर जोड़ी बनती है तो अच्छी बात है। अगर हमारी जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं, एक हमने फिल्म की थी नसीहत, तो नसीहत फिल्म टेलीविजन की दुनिया की, टेलीविजन की दुनिया के 5वें नंबर की हिट फिल्म बनी। मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों ने उस फिल्म को शायद सबसे कम दिनों में हमारी शूटिंग हुई थी, सबसे कम दिनों में। हाँ। पर हमारी अच्छी कहानी थी और हम लोगों का डेडिकेशन था कि हम लोग टाइम से पहली फिल्म थी, टाइम से सेट पे पहुंचते थे, टाइम से करते थे, तो कम दिनों में बन करके सबसे बड़ी हिट फिल्मों में अगर उसका नाम शुमार है तो इसका मतलब है दर्शकों ने हमें पसंद किया। फिर एक हमारी घर वाली बाहर वाली पार्ट 2 है जो यूट्यूब पर डाली थी, वो कैप्टन वीडियो पर है, तो वो मिलियंस में आया उसका व्यूवर्स, तो पसंद कर रहे हैं तभी आ रहा है। मुझे एक दो लोगों ने बीच में कहा भी था, मेरे ऑडियंस ने, कि घर वाली बार वाली पार्ट 2 देखे, बहुत अच्छा लगा भैया, और वो जो रक्षा जी का डांस वाला रोल था वो अच्छा था, तो आगे भी करिए, तो अच्छा है, अगर दर्शक पसंद कर रहे हैं तो काम करना चाहिए। भैया आपके लुक की बात की जाए, फिल्मों के चयन करने की बात की जाए, तो कितना आप सोचते हैं, जो कि हर फिल्म कुछ अलग लुक ले आ रहे हैं, उसके लिए कितना सर्च करना होता है? मैं जीवन में सिर्फ सिनेमा सोचता हूँ, सिनेमा के अलावा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। मुझे अगर सिनेमा को छोड़ दिया जाए और अगर आप किसी दूसरी फील्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो मेरे पास 0 नॉलेज है, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं। सिनेमा की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, क्योंकि सिर्फ सिनेमा ही जीता हूँ, सिनेमा ही खाता हूँ, सिनेमा ही पीता हूँ, सिनेमा ही पहनता हूँ, तो इसीलिए कुछ ना कुछ अलग होता रहता है। तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं आपको? ये यश कुमार के आइडियाज़ हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है, तो मैं अलग करता रहता हूँ। ये इसके कुछ अलग और सर अच्छा भी साथ में। हाँ, आप ये कुछ अलग तो सोचते हैं काफ़ी लोग, लेकिन हर उसमें अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वो आप सोचते हैं। हाँ, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी एक मैसेज भी होना चाहिए, एक आर्टिस्ट के लिए अच्छा काम होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में एक चलन है, हम बड़ा बना रहे हैं, 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 हम 4 करोड़ की बना रहे हैं, हम 3 करोड़ की, हम बड़ा, सब बड़ा बना रहे हैं, और मेरी सोच है कि मुझे बेहतर बनाना है। तो बाकी लोग बड़ा बनाते हैं, मैं बेहतर बनाता हूँ, बस यही सोच है कि बेहतर करने के लिए जब आप दिन रात सोचना शुरू कर देंगे तो बेहतर बनना शुरू हो जाता है। भैया सूल की बात करें, जैसे सूल का टाइटल है और थाले में ब्लड भी लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहें सूल, क्या किस तरह होगी सूल? मैंने कहा ना, एक औरत है जो धर्म संकट में पड़ी हुई है, एक इंसान है जो धर्म संकट में नहीं, धर्म रक्षा में पड़ा हुआ है। मेरा जो रोल है वो मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ,
रक्षा जी हैं जो धर्म संकट में पड़ी हुई हैं एक बच्ची को लेकर के, एक 8 साल की बच्ची है जो बड़ी प्यारे से रोल में इसमें नज़र आने वाली है, बहुत कमाल के कमाल का रोल है उस लड़की का। तो शूल एक भावना प्रधान रिश्तों को लेकर के एक एक्शन फिल्म, आउट एंड आउट इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जहाँ एक्शन होता है वहाँ कहानियाँ नहीं होती हैं, पर मेरी फिल्मों में कहानियाँ जो होती हैं वहीं एक्शन करवाती हैं। अगर एक्शन है तो कहानियों से रिलेट होकर के ही होगा। ये एक बहुत ही शानदार स्टाइलिश एक्शन फिल्म होने वाली है, रिश्तों को लेकर के, भावनाओं को लेकर के और चीज़ों को लेकर। आपका एड्रेस जो है वेस्टर्न है और अघोरी वाला है, हाँ क्या समझा जाए? अघोरी नहीं है एक्चुअली, ये इंसान जिसको देश दुनिया से मतलब ख़त्म हो गया रहता है, वो जंगल में चला गया, उसका अपना परिवार डिस्ट्रॉय हो गया रहता है, उसकी स्टाइल यही है। जब वो नॉर्मल रहता है तो भी ऐसा रहता है, अब नॉर्मल हुआ, अब नॉर्मल मीन्स जब देश दुनिया से मतलब ख़त्म हो गया तो भी वही, और यही तो है इंडो वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन। इनके साथ हमने पहले भी फिल्म की है, मिट्टी फिल्म की थी जी। और देखिए कितनी अच्छी बात है उन्होंने इस पेयर को दोहराया जी। कहीं ना कहीं रक्षा जी का और मेरा काम उनको अच्छा लगा होगा तभी दोहराया। एक्चुअली उन्होंने मुझसे कहा कि यश जी एक फिल्म बनानी है, तो कहानी जब उन्होंने सुनाया तो मुझे कहानी टू बी वेरी उन्हें पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा भाई मज़ा नहीं आया कहानी में, तो उन्होंने कहा कि यार करना तो आपके साथ ही है, आप ही बता दो कोई कहानी। तो ये जो शूल फिल्म बन रही है, ये शूल फिल्म मैंने अपने बैनर के लिए यश कुमार एंटरटेनमेंट के लिए लिखी थी। तो चूँकि जब मुझे लगता है कि सामने वाला प्रोड्यूसर अच्छा है, ये फिल्म के साथ न्याय करेगा, फिल्म को अच्छा बनाएगा, तो मैं अपनी कहानी देने में गुरेज नहीं करता हूँ। और हमने कहानी दी, फिर हमारी कास्टिंग पे बात हुई, तो इस फिल्म की कहानी 6-8 महीने पहले हम लोग, मैं और रक्षा जी एक फिल्म कर रहे थे, उस सेट पे ही लिखे थे मैंने। उस समय ही मैंने रक्षा जी से कहा था, मुझे नहीं पता था कि इसको मैं बनाऊँगा कि कौन बनाएगा, पर रक्षा जी से कहा था कि ये रोल बेटा आपके लायक है और आप इसको करोगे तो यादगार रोलों में से एक होगा। और देखिए कभी कभी जुबान बहुत जल कर भी रहे, हाँ जुबान बहुत जल्दी बातें, सरस्वती जी बैठती हैं वो बैठ गई हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब राजू जी माइंड ब्लोइंग पर्सन, क्लियर माइंड, शार्प माइंड, सिनेमा को जीने वाला इंसान जिसके डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं, वो है राजू। सो आई अप्रिशिएट राजू जी, उनका काम देख करके ही मैंने अपने बैनर की फिल्म उनको जानवर और इंसान में लिया था। और बहुत जल्दी मैं राजू जी के साथ यश कुमार एंटरटेनमेंट से एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका फर्स्ट लुक आप लोग देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि यार ये फिर कुछ अलग है। शूल जब आएगी तो आप लोगों को यश कुमार और रक्षा गुप्ता के रूप में एक ऐसी फिल्म देखने के लिए मिलेगी कि उस फिल्म के बाद शायद इस जोड़ी को आप लोग और पसंद करने लगें, कि बोले नहीं यार कमाल की फिल्म, और कमाल की फिल्म बनी है।